तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स एनालिसिस। तो गैस आज आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट लेके आ रहा हूँ जो कि आ रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। दोस्तों दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल मनीष के लिए बम्पर भर्ती निकाल दी गई है, ऑफिशियल ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया गया। गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, इस पर लिख रखा है दिल्ली पुलिस नोटिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2019। इसके दोस्तों ओपनिंग डेट जो है 1/10/2019 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 1 अक्टूबर से इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 30 अक्टूबर 2019। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.dellipolice.nic.in, इसके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इसके और बताता हूँ, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टेम्पररी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको फॉर्म इसका भरना पड़ेगा अगर आप दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो कुल मिला के 554 वैकेंसी है, जिसमें दोस्तों मेल की जो वैकेंसी है 372 है टोटल और फीमेल की है 182। ठीक है, अब मैं जनरल की बात करूँ, मेल में तो जनरल में 140 वैकेंसीज हैं जनरल की, मेल की। ईडब्ल्यूएस में है 37, ओबीसी की है 86, एससी की है 56 और एसटी की है 53। कुल मिला के 372 पोस्ट है जो हेड कॉन्स्टेबल मेल के लिए है। फीमेल की बात करूँ तो 69 वैकेंसी जनरल की है, 18 ईडब्ल्यूएस की है, 12 ओबीसी की है, 27 एससी की है, 26 एसटी की है। कुल मिला के 182 वैकेंसी बांटी गई है। सैलरी पर बहुत ही अच्छी है दोस्तों, 10% जो वैकेंसी है वो रिजर्व की गई है एक्स सर्विस मैन के लिए। ठीक है, 10% आप इसका लगा सकते हो, कितना होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ एज एज लिमिट की एंड एजुकेशन की। तो गाइस एज लिमिट जो आपकी एज ली जाएगी वो ली जाएगी आपकी 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2019 से आप मिनिमम 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 25 साल के। ठीक है, अगर आप एस सी एस टी हो दोस्तों तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हो अगर आप एस सी एस टी हो। अगर आप ओ बी सी हो तो 18 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हो। गाइस एजुकेशन की बात करो तो सिंपली 12th पास चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट आपकी 12वीं पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के साथ, कितने भी नंबर हो, 33% भी हो तब भी चलेगा। ऑल इंडिया से ऐसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, हाँ तो गाइस ये छोटी सी अपडेट देनी थी आपको वैकेंसी के बारे में दोस्तों। ठीक है, वैकेंसी मैंने आपको बता दी है कितनी वैकेंसी निकली है, मेल फीमेल के लिए अलग अलग से बांटी गई है दोस्तों। ठीक है, एज लिमिट आपको मैंने बता दिया है, एजुकेशन मैंने आपको बता दिया है, इसके फॉर्म कब से चालू होने हैं। इसका फॉर्म दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म रहेगा, ये अभी ऑफिशियल नोटिस आ रखा है, नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन में पूरा पता चलेगा इसका डिटेल्ड सिलेबस दोस्तों। अब दोस्तों मैं हाइट और वेट की बात करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए अगर आप मेल हो, अगर आप मेल हो तो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप फीमेल हो। चेस्ट जो होनी चाहिए 78 बिना फुलाए और 82 फुला के होनी चाहिए। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, आपका रिटर्न के बेस पे सिलेक्शन होगी, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा दोस्तों, फिर आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, फिर होगा मेडिकल। ठीक है, तो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपको दोस्तों टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में एंड 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, इसमें आपको ऑप्शन रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो तो हिंदी में कीजिएगा, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हो तो इंग्लिश में कीजिएगा। फॉन्ट जो होंगे इंग्लिश के दोस्तों उनके अपने ही रहते हैं, हिंदी में दोस्तों रहेगी आपकी देवनागरी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैंने देनी थी। सैलरी की बात रही तो सैलरी मिनिमम आपको 25,500 से लेकर 81,000 रुपये तक मिल जाएगी, बाकी टी ए डी ए एच आर मिला के दोस्तों आपको उस हिसाब से मिल जाएगी। तो छोटी सी अपडेट देनी थी दोस्तों, और हम आशा करते हैं आपको हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही लगी। गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी के बारे में दोस्तों। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, जय हिंद एंड जय भारत गाइस।